नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज के खेलों पर। IPL 2019 मुंबई वर्सेस RCB पहली जीत के बाद मुंबई के रंग में भंग डालने उतरेगी RCB। बैंगलोर की टीम कोहली और AB डिविलियर्स पर काफी निर्भर है। अब उनकी नजरें मुंबई में इस करिश्माई प्रदर्शन को दोहराने पर लगी है, जबकि इसी दिन विश्व कप के लिए भारतीय टीम का चयन होना है। पंजाब को हराने के बावजूद RCB अंक तालिका में सबसे नीचे है। हॉकी इंडियन ने नए कार्यकारी बोर्ड सदस्यों को शामिल किया। हॉकी इंडियन ने शुक्रवार को मणिपुर हॉकी की उपाध्यक्ष निर्मलता को भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान अंशुता लकड़ा की जगह कार्यकारी बोर्ड का सदस्य बनाया है। हॉकी इंडिया की 61वीं कार्यकारी बोर्ड की हाल ही में हुई बैठक में निर्मलता के अलावा देवेंद्र प्रताप तोमर को हॉकी इंडिया का नया एसोसिएट उपाध्यक्ष और हॉकी हरियाणा के महासचिव सुनील मलिक को एसोसिएट बनाया गया। ICC वर्ल्ड कप 2019 इन 15 खिलाड़ियों को मिल सकता है इंग्लैंड का टिकट। भारतीय जनता चयनकर्ता 15 अप्रैल को मुंबई में विश्व कप 2019 के लिए 15 सदस्यीय टीम को घोषणा करेंगे। हालांकि मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद और कप्तान विराट कोहली पहले ही यह कह चुके हैं कि टीम लगभग तय है, लेकिन फिर इस घोषणा में कुछ आश्चर्य हो सकते हैं। कप्तान विराट कोहली पहले ही कह चुके हैं कि काफी कुछ पहले से तय है। किस खिलाड़ी को किस नंबर खेलना है यह भी लगभग तय है, केवल एक या दो स्पॉट पर जगह बची है। चयन समिति के प्रमुख MSK प्रसाद और कप्तान कोहली यह भी कह चुके हैं कि IPL की परफॉर्मेंस का चयन पर कोई असर नहीं होगा। भोला फेंक खिलाड़ी मनप्रीत कौर 4 साल के लिए बैन, जाने क्यों? एशियाई चैंपियन गोला फेंक खिलाड़ी मनप्रीत कौर के नमूने को 4 बार पॉजिटिव पाने के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने प्रतिबंधित कर दिया। नाडा की डोपिंग रोधी पैनल के मुताबिक मनप्रीत पर यह प्रतिबंध 4 साल के लिए लागू रहेगा, जिसकी शुरुआत 20 जुलाई 2017 से हो चुकी है। नाडा के निदेशक नवीन अग्रवाल ने बताया, हाँ, मनप्रीत कौर को 4 साल के लिए प्रतिबंध किया गया है। उनके पास हालांकि इस फैसले के खिलाफ डोपिंग रोधी अपीलियन पैनल में गुहार लगाने का मौका है। फुटबॉल 42 साल बाद किंग कप में खेलेगा भारत। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जून में थाईलैंड में होने वाले इन्विटेशनल किंग कप में भाग लेगी। भारत ने पिछली बार इस टूर्नामेंट में 1977 में भाग लिया था। आखिर भारतीय फुटबॉल महासंघ ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। टूर्नामेंट के सभी मैच बरिराम स्थित जांग एराना में 36,000 क्षमता वाले स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारत के अलावा इसमें मेजबान थाईलैंड, वियतनाम और कुराकाओ है। जल्दी भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को मिल जाएगा नया कोच। आखिर भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय फुटबॉल कोच की नियुक्ति जल्द ही जाएगी। तो MNS न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।